Hey guys, welcome to Curious. Recently, Indian Navy के तरफ से सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह नाम की दोनों वुमेन ऑफिसर्स को पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर्स के तौर पर तैनात किया गया है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि INS कालबारी, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, INS आर्यन जैसी वारशिप्स को कोई वुमेन ऑफिसर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। तो दोस्तों चले जानते हैं इससे पहले वुमेन ऑफिसर्स को कौन सी स्ट्रीम में शामिल किया जाता था, नेवी में कितना तरह का स्ट्रीम है और वुमेन ऑफिसर्स को इस तरह का चैलेंजिंग पोजीशन पे तैनात करना इंडियन डिफेंस सर्विस के लिए किस तरह का माइलस्टोन सेट कर सकता है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों अगर आप सुप्रीम कोर्ट की राय के बारे में जानते हैं देन सुप्रीम कोर्ट के राय अनुसार अभी कोई भी वुमेन ऑफिसर को परमानेंट कमीशन में भर्ती किया जा सकता है और 2019 दिसंबर में इंडियन नेवी अपनी पहली वुमेन पायलट को तैनात कर चुका है जिनका नाम है शिवांगी। 1992 से पहले इंडियन नेवी वुमेन ऑफिसर्स को सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम में ही शामिल करता था लेकिन 1992 के बाद इंडियन नेवी वुमेन ऑफिसर्स को पहले स्पेशल एंट्री स्कीम के तौर पे सिर्फ कई सिलेक्टिव स्ट्रीम में शामिल किया जो कि आज शॉर्ट सर्विस कमीशन में बदल चुका है। कई साल बाद नेवी में दूसरी ब्रांचेस में वुमेन ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया और आज एक वुमेन ऑफिसर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑब्जर्वर, लॉ, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, नावल आर्किटेक्चर, पायलट इन मैरीन स्ट्रीम और नावल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट जैसी सिलेक्टेड स्ट्रीम का हिस्सा बन सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी आर्मी और एयरफोर्स की तरह नेवी में भी एक वुमेन ऑफिसर को सिर्फ कमीशनिंग ऑफिसर्स की रैंक मिल सकता है। कोई भी वुमेन ऑफिसर को जूनियर कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर में शामिल नहीं किया जाता है। रिसेंटली नेवी ने भी कई वुमेन ऑफिसर्स को न्यू स्ट्रीम पे शामिल किया है। दिसंबर 2019 में इंडियन नेवी एक वुमेन ऑफिसर को जूनियर एयरक्राफ्ट की पायलट के तौर पर तैनात किया है और जूनियर एयरक्राफ्ट एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है। 21 सितंबर 2020 में इंडियन नेवी दोनों वुमेन ऑफिसर्स को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के तौर पर अपॉइंट किया है। ऑब्जर्वर्स इंडियन नेवी की बोथ ऑनबोर्ड हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट चला सकते हैं। अभी तक एक वुमेन ऑफिसर को ऑब्जर्वर के तौर पर सिर्फ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट चलाने के लिए परमिट मिलता था लेकिन हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में एंट्री के बाद एक वुमेन ऑफिसर को ऑब्जर्वर के तौर पर फ्रंट लाइन वारशिप्स में भी डिप्लॉय किया जा सकता है जिससे डायरेक्टली हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत में कहा था सुप्रीम कोर्ट की राय के अनुसार मार्च 2020 के बाद एक वुमेन ऑफिसर को परमानेंट कमीशन की ग्रांट मिल सकता है। आर्म फोर्सेस में शॉर्ट सर्विस कमीशन की टेन्योर 10 साल तक होता है जिसको 4 साल एक्सटेंड किया जाता है जिससे बाद ही परमानेंट कमीशन की ग्रांट मिल सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस एनी नागराज एंड अदर केस में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी की एक बेंच ने कोर्ट में कहा था कि द बैटल फॉर जेंडर इक्वालिटी इज अबाउट कन्फ्रंटिंग द बैटल्स ऑफ द माइंड, यानी जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई लड़ने से पहले हमें मन की लड़ाई पहले लड़ना पड़ेगा। ऐसा कई एग्जाम्पल्स मिल जाएगा कि एक वुमेन एम्प्लॉई एलिजिबल होने के बाद भी उसे वर्कप्लेस में एक फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। इन माय ओपिनियन दिस डेवलपमेंट्स इन आर्म प्रोसेस फॉर वुमेन कैंडिडेट्स विल बी अ की फॉर द कैरियर एडवांसमेंट इन द ऑपरेशनल स्ट्रीम एंड समडे दे मे लीड द आर्म प्रोसेस फॉर मोस्ट चैलेंजिंग डिप्लॉयमेंट। तो दोस्तों आपका ओपिनियन क्या है, क्या वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन की ग्रांट देना और इस तरह का चैलेंजिंग पोजिशन में डिप्लॉय करना एक बड़ा माइलस्टोन सेट कर सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन कीप वॉचिंग क्यूरियस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।